दुनिया के तमाम ममालिक में दही बड़े शौक से खाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि ये किस तरह से बनाया जाता है? तो आइए आज आपको एक 3D एनिमेटेड वीडियो के जरिए योगर्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का विजिट करवाते हैं। सबसे पहले हम फ्रेश दूध लेते हैं 4 डिग्री सेल्सियस का, उसको पाश्चराइजर के जरिए पाश्चराइज करवाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज होता हुआ। उसके बाद होमोजेनाइज होता है। होमोजेनाइजर के बाद मिल्क दोबारा वापस पाश्चराइजर में आता है, जहाँ पर इसका टेम्परेचर 95 डिग्री सेल्सियस पर जाता है। 95 डिग्री सेल्सियस के बाद इसको होल्डिंग ट्यूब्स के अंदर भेजा जाता है। होल्डिंग ट्यूब्स का टाइम हर पाश्चराइजर के हिसाब से मुख्तलिफ होता है, लेकिन यहाँ पे जो लगी हुई हैं ये 5 मिनट्स होल्डिंग टाइम है। होल्डिंग टाइम रखने का मकसद ये होता है कि 95 डिग्री सेल्सियस पे 5 मिनट के लिए दूध इन होल्डिंग ट्यूब्स के अंदर रहता है और कम्प्लीटली पाश्चराइज हो जाता है। होल्डिंग ट्यूब के प्रोसेस के बाद दूध को वापस पाश्चराइजर में भेजा जाता है, जहाँ से इसका टेम्परेचर रिड्यूस किया जाता है। रिड्यूस करने का टेम्परेचर पर्पज़ ये होता है ताकि हम इसको कल्चर लगा सकें, जो कि आइडियल टेम्परेचर 40 to 45 डिग्री सेल्सियस होता है। इन्होंने 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया है। 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाला दूध पहले सबसे फर्स्ट टैंक में आता है। टैंकर्स के अंदर एजिटेटर्स लगे होते हैं, जो कि दूध को कंटिन्यूस हिलाते रहते हैं ताकि इसके अंदर क्लॉटिंग वगैरह ना हो। 1 by 1 तीनों टैंकर्स दूध के फिल हो जाएंगे और कंटिन्यूस एजिटेशन जो है वो होती रहेगी। उसके बाद फर्स्ट टैंकर का लिड ओपन करेंगे और उसके अंदर कल्चर मिक्स किया हुआ दूध का जो सैंपल है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद इसकी स्टीरिंग करेंगे। उसके बाद इसको रेस्टिंग टाइम दिया जाता है। रेस्टिंग टाइम इतना होता है कि दूध के अंदर पीएच जो है वो मेंटेन हो जाए, और दूध की पीएच इस वक्त ऑलमोस्ट 6.6 से डाउन होनी चाहिए। 6.6 दूध की आइडियल पीएच है, तो कल्चर लगाने के बाद इसकी पीएच ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है। उसके बाद 1 by 1 टैंक से दूध वापस पीएचई से गुजरता है। उस पीएचई से दूध का टेम्परेचर और रिड्यूस किया जाता है, जो कि 15 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद दूध को फाइनल पैकेजिंग टैंक में स्टोर किया जाता है। पैकेजिंग टैंक के बाद दूध पैकेजिंग मशीन, जो कि पाउच पैकिंग मशीन होती है, वहाँ पर जाना शुरू हो जाता है। पाउच पैकिंग मशीन के अंदर एक ऑटोमेटिक पाइप और एक ऑटोमेटिक वेइंग बैलेंस होता है, वहाँ से दूध पैक हो जाता है और इसके बाद योगर्ट को हम पैक कर लेते हैं।